हेलो नमस्ते, तो स्वागत है आपका हमारे एक छोटे से ब्लॉग में फिर से एक बार। आज हम आए हैं एक बहुत खूबसूरत से शहर में। आज हम हमारे क्रोएशियन ट्रिप के सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन पे है। हम क्रोएशिया यही रीजन से आए थे कि हमें ये सिटी एक्सप्लोर करनी है। तो आज हम हैं स्प्लिट में। ये जो सिटी है, ये दिस इज द हब टू डू ऑल द आइलैंड टूर्स। तो हमें बहुत सारे आइलैंड्स एक्सप्लोर करने मिलेंगे। तो अगर आप ज्योग्राफिकल मैप देखोगे क्रोएशिया में, बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड्स है क्रोएशिया के। सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर हवा। देयर नॉट लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर वेजिटेरियन। देयर इज सम लाइक देयर इज लॉट ऑफ ऑप्शन हु ईट्स मीट एंड यू नो व्हाट दोस आइलैंड्स हु हैज बीच एंड दोस नो दैट देयर इज लेस थिंग फॉर द वेजिटेरियन टू फाइंड एंड आल्सो यू मस्ट बी रियली लकी टू फाइंड वेजिटेरियन फूड। चलिए शहर को एक्सप्लोर करते हैं, शहर की जो हेरिटेज है उसके बारे में जानते हैं और इस वीडियो में आपको सब कुछ दिखाएंगे। आप बने रहिए आखिरी तक, पूरी चीजें देखिए इस वीडियो में। यहाँ के लोग, प्रोफेशंस, खान पान, यहाँ का वेशभूषा, यहाँ के टूरिस्ट। आज का हमारा जो स्प्लिट का प्लान था वो थोड़ा चेंज हो गया। यहाँ पर गोल्डन हॉर्न नाम का एक बीच है, बहुत पॉपुलर, जिस वजह से वो आइलैंड के लिए जाते हैं, वो फेमस बीच देखने ही जा रहे हैं। तो हमारा प्लान है 3-4 घंटे बीच पे एंड अराउंड 4 PM वापस आ रहे हैं ताकि स्प्लिट एक्सप्लोर कर सके। सो वी हैव केप्ट हाफ डे फॉर द बीच एंड हाफ डे फॉर द सिटी। हमने लास्ट मोमेंट पे ये डिसाइड किया कि यहाँ पे 3-4 जो आइलैंड देखने वाले हैं वो 3-4 आइलैंड हम 3 दिन में नहीं देख सकते। तो जो पास वाला आइलैंड था, ब्रैक बोलते हैं उसको, ब्रैक कुछ इस तरह का नाम है, उस आइलैंड के लिए हमने एक बोट ले ली। बोट के अंदर ही हमें अपनी कार रखी हुई है और हमें वन वे जो फेयर पड़ा है, दो अडल्ट और एक चाइल्ड का, वो है 41 यूरो। हम करेंटली ब्रैक आइलैंड पे जाते हैं। इस आइलैंड की खूबियत है कि यहाँ पे एक बीच है जिसका नाम है गोल्डन हॉर्न बीच, जो बहुत ही फेमस है। उसको गोल्डन हॉर्न क्यों बोलते हैं वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन हमने फिलहाल के लिए फेरी ली है जिस फेरी का नाम है जाद्रोलिनीजा फेरी। यहाँ पे आपको वो देखिए, वो फेरी का नाम है, वो हमें ब्रैक आइलैंड तक लेके जाएगी। फिर उसके आगे 1 घंटे का ड्राइव है गोल्डन हॉर्न बीच के लिए। पीछे लगी हुई है, ऐसे गाड़ियां लगी होती हैं यहाँ पे, फेरीज, फेरीज के अंदर कार्स लगी। फाइनली हम गोल्डन हॉर्न बीच पहुंच गए, यूरोप के सबसे खूबसूरत बीचेस में से एक। ऊपर है ना हॉर्न की तरह दिखता है। हाँ, हॉर्न क्या है, सींग बना हुआ है, जैसे सींग होता है ना जानवरों के, वैसे सींग बना हुआ है इस बीच के लिए। तो इस बीच को यही देखने के लिए आता हूँ, लेकिन अभी मैं नीचे देख रहा हूँ कि बीच के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। पता नहीं अभी सैंडी बीच है या पैबल बीच है, आगे जाके देखता हूँ, लेकिन अभी तक तो बहुत पत्थर आ रहे हैं, चुभने वाले पत्थर हैं। यूरोप के सारे बीचेस खूबसूरत तो हैं ही, क्योंकि उसमें पानी बहुत साफ रहता है।
समुंदर के किनारे कोई भी जगह होती है वो खूबसूरत वैसे ही लगती है अगर उसमें साफ़ सफाई रखी हो। बाकी यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, यहाँ पर छोटे छोटे कैफेज बने हुए हैं। स्प्लिट से काफ़ी दूर पड़ता है, फेरी लेके आना पड़ता है, तो लोग कुछ फेरी की टिकट नहीं लेना चाहते होंगे, लेकिन इतनी महंगी नहीं है। अगर आप कार लेकर नहीं आ रहे तो 10-12 यूरो पर पर्सन आपको टिकट पड़ती है, कार लेके आओगे तो 50 यूरो एक्स्ट्रा आप ऐड करके चलिए। बताती हूँ इस बीच को गोल्डन हॉर्न बीच क्यों बोलते हैं। तो आप देखो, ये ड्रोन पिक्चर है इस बीच का, और अगर देखो तो ऐसे हॉर्न बनता है, तो ऊपर से अगर देखा जाए तो ये गोल्डन दिखता है और ये ऐसे हॉर्न की तरह है, इसलिए इसको गोल्डन हॉर्न बीच बोलते हैं। और यहाँ से ट्रेन जाती है जो हमें स्टेशन सिटी सेंटर तक पहुँचाती है, और ये ट्रेन एवरी 30 मिनट्स जाती है। प्राइस अराउंड 4 यूरो है, आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ से ट्रेन स्टेशन सिटी सेंटर जाके वापस आ सकते हैं। तो गोल्डन हॉर्न बीच से निकलकर अभी हम बोल सेंटर की तरफ जा रहे हैं। बोल इस जगह का नाम है, इस जिस जगह के अंदर ये बीच है, बहुत शानदार जगह है। ज़्यादा लोग नहीं थे, उसी का फ़ायदा उठाते हुए हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, लेकिन ये था कि ज़्यादा रश नहीं था। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रश हो, लोग हों आगे पीछे, तो वो थोड़ा नहीं था, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 घंटे से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं सिटी सेंटर के लिए, तो चलो सिटी सेंटर की सैर करते हैं। पीछे देखिए, बहुत खूबसूरत जगह है। अभी हम पहुंच गए बोल। बोल जगह का नाम है BOL, छोटा सा टाउन है, खूबसूरत है, पानी के किनारे लोग अपना काम धंधा यही करते हैं कि सुबह उठ के अपनी छोटी सी बोट लेके मछलियां पकड़ने निकल जाते हैं। मछुआरे हैं, मतलब कहने का मतलब ये, और मछलियां लेकर आते हैं फिर बेच देते हैं। अभी शाम के 7:30 हो रहे हैं, 7:30 की फेरी हमने ले ली और स्प्लिट की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा रहा हमारा टूर, लेकिन एक थोड़ी सी गाड़ी में थोड़ी सी खरोच आ गई। गूगल यहाँ पे बहुत रॉन्ग मैप्स प्रपोज करता है, तो हमारा ड्राइवर इतना गुस्सा आ गया। नहीं, ब्लाइंडली गूगल मैप को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमेशा ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। गूगल मैप हमेशा सही नहीं है। अगर अनफेमिलियर रास्ते हो तो हमें गूगल पर ही ट्रस्ट करना पड़ता है, लेकिन गूगल यहाँ पर इतने नैरो लेन्स प्रपोज करता है कि हमारी गाड़ी बिल्कुल लग गई थी साइड्स पे, उसके जो रियर मिरर्स होते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज़ को बहुत मतलब ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए गूगल मैप, मतलब थोड़े ट्रैफिक रूल्स भी अप्लाई करने चाहिए। तो अभी डिनर के लिए अभी कोई बंदोबस्त नहीं है, वहाँ जाके कल तो हम डिनर करेंगे मैगी। और हमारा सो वी आर गोइंग बैक टू स्प्लिट, सो लेट्स से गुड बाय टू ब्लैक।